सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग स्पेशल चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ टूटी फ्रूटी केक और परफेक्ट स्पंज के साथ, और बहुत टेस्टी केक बनाने जा रहे हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है मलाई और घी 1/4 कप, और 1/4 कप दोनों शुगर के बराबर लेना है। आधा कप हमें शुगर लेनी है, तो चौथाई कप हमें मलाई और घी लेना है। और शुगर घी मलाई को हम मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे और एक फोम में बना लेना है। एक इसका टेक्सचर ऐसा हो जाएगा जैसे बीट किया हुआ एग होता है। तो हम बिना अंडे का बना रहे हैं, तो हम इसी तरह से इसी मेथड से करते रहेंगे बीट। तो ये एक फॉर्म चेंज कर लेगा और क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा इसका। तो अब उसी एक साइड में रख देंगे और फिर एक बाउल लेंगे, उसमें हम 1.5 बाउल मैदा लेंगे। आप एक ही कटोरी से नाप लीजिएगा सभी इंग्रेडिएंट्स का। और इसमें हम डालेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा, और बेकिंग पाउडर लेंगे हम 1/4 टीस्पून, और कुछ चेरी डाल देंगे इसमें। हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग से मिलाएंगे और वेट इंग्रेडिएंट्स अलग से मिलाएंगे। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हमारा ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साइड में रखने के बाद, हमने जो मलाई वाला मिक्सचर रेडी किया था उसमें हम वनीला एसेंस मिलाएंगे 2 बूंद। और वनीला एसेंस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और केक बहुत अच्छा बनता है। तो जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स का हमने बना के रखा था मिक्सचर, वो थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दूध हमें रूम टेम्परेचर वाला दूध लेना है, और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी करना है। हमें डो ज़्यादा फ्लोइंग नहीं बनाना, और इस तरह से बनाना है बस, गिरे भी ना और गिर भी जाए, मतलब इसी कंसिस्टेंसी में रखना है। तो अब एक केक टिन या डब्बा वगैरह कोई भी जो आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा घी मिला लेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा मैदा से इसे डस्ट करेंगे ताकि हमारा केक चिपके ना। और फिर ये बटर पेपर कटिंग करके हम इसमें बिछा लेंगे। और फिर जो हमने केक का बैटर रेडी किया है, केक के बैटर को 15-20 मिनट तक फेंटना है ताकि अच्छी सी अपने फॉर्म ले ले और एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए इसमें। फिर इस केक को अच्छी तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे और टैप करेंगे थोड़ा सा, और फिर इसमें टूटी फ्रूटी से इसे गार्निश कर देंगे। तो ये अच्छी लगेगी ऊपर से दिखने में। और फिर एक कुकर या कढ़ाई ले लेंगे मोटे पैंदे का, उसमें हमने यूज़ किया हुआ बेकिंग में यूज़ किया हुआ नमक ऐड करेंगे और फिर इसे प्री हीट करेंगे। और एक कोई भी कटोरी आप ले लें जिसमें आपका मतलब फिट आ जाए सब स्टैंड वगैरह, और ढक्कन अच्छी तरह से कवर हो जाए, इस हिसाब से आपको डब्बा या कोई भी केक टिन लेना है। और इसमें हमारा केक वाला डब्बा है जो फिट आ गया है, और इसे कवर कर देंगे। 35-40 मिनट तक इसे बेक करना है। अगर बीच में आप बार बार ना खोलें इसे, केक डेंस हो जाता है। तो 30-35 मिनट बाद हमारा केक अच्छी तरह से फूल चुका है। और अब इसमें चाकू या आप टूथपिक से इसे चेक कर सकते हैं, अगर नाइफ क्लीन निकले तो इसका मतलब केक हमारा बेक हो चुका है, और इसे ठंडा करके ही केक टिन से निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, केक कितना अच्छा बना है, और इसे मैं पलट रही हूँ प्लेट में, और ये देखिए इसका कितनी अच्छी स्पंज बनी है, और बहुत ही अच्छा सा केक हमारा रेडी हो जाएगा कम इंग्रेडिएंट्स में, बिना अंडे के, बिना ओवन के, बिना किसी झंझट के केक रेडी हो जाएगा। और स्पंज भी कितनी अच्छी बनी है, तो देखिएगा फ्रेंड्स। तो अब इसे पलट लेंगे, और आप कट करके आप चाहे तो इसे क्रीम से भी गार्निश कर सकते हैं, और वैसे भी आप इसे खा सकते हैं। टूटी फ्रूटी केक बहुत अच्छा लगता है खाने में, और सिंपल सा चाय के साथ इंजॉय करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। और स्पंज भी कितनी अच्छी बनी है, और बहुत जल्दी बन जाता है, और बिना किसी मेहनत के, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए, बिना अंडे के, बिना ओवन के। तो हम कुकर में बहुत अच्छा सा केक बना सकते हैं। तो देखिए स्पंज कितनी अच्छी बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते रहेंगे इसी तरह से नई नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।